तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पूरा कार्टून नेटवर्क के ऊपर है। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार्टून नेटवर्क जैसा महान चैनल पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। देखो यार, बचपन में हम सब लोग कार्टून नेटवर्क देखते थे, लेकिन अभी कार्टून नेटवर्क के शोज इतने बेकार हो गए हैं कि अभी कार्टून नेटवर्क देखने के लायक भी नहीं रहा। मैं आप लोगों को मेरी बात बताता हूँ, मैं रोज सुबह अपना नाश्ता छोड़कर ड्रैगन टेल्स देखने बैठ जाता था और मुझे घर वाले कितना भी चिल्लाते थे, लेकिन मैं फिर भी देखता ही था। मुझे घर वाले बोलते थे, अबे कितना कार्टून देखता है, कार्टून देख देख कर कार्टून जैसा ही हो गया है। लेकिन यार, अभी वो सब शोज तो एकदम गायब से ही हो गए। अगर आप 90s के हैं तो आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको अपने बचपन की यादें ताज़ा करनी है तो ये वाली वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि भाई एनीमे और कार्टून को कहाँ कंपेयर कर रहा है। देखो यार, एनीमे और कार्टून अपनी अपनी जगह है, लेकिन मेरे व्यूअर्स की खुशी एक जगह है। मैं चाहता हूँ आजकल के बच्चे एनीमे नहीं तो एटलीस्ट हमारे टाइम के कार्टून तो देख सके, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हो। तो अब इसी के साथ आती है मेरी सबसे दुख भरी बात। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो यार, टाइम ही कितना लगता है। बस दोस्तों, 10 दिन रह गए हैं गिव अवे को और 7000 तो दूर की बात है, 5000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों मेरे पहले के वीडियोस भी देखना ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो यार, कार्टून नेटवर्क ओरिजिनली US का है और उसकी ओपनिंग 1995 की है। लेकिन पहले कार्टून नेटवर्क दिन में 12 घंटे आता था इंडिया में, फिर उसके बाद 2001 में उसको इंडिया में एक अलग चैनल की परमिशन मिली और तब से कार्टून नेटवर्क चैनल जो अभी तक चल रहा है। और जब से कार्टून नेटवर्क लॉन्च हुआ तब से पिछले कई सालों तक अच्छे अच्छे कार्टून्स आते थे, जैसे जॉनी ब्रावो, पावरपफ गर्ल्स, डेक्स्टर लेबोरेटरी, करेज द कावर्डी डॉग शो, कोड नेम किड्स नेक्स्ट डोर, स्वॉट कैट्स, रिची रिच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो दोस्तों, वो टाइम ये पहली बार था कि कोई ऐसा कार्टून चैनल इंडिया में आया, क्योंकि वो टाइम पे ना ही हंगामा था और ना ही निक पोगो और साथ ही साथ एनिमैक्स भी, ये सब चैनल वो टाइम पर नहीं थे। फिर बाद में कार्टून नेटवर्क चैनल चुटकियों में वो इंडिया का टॉप कार्टून चैनल बन गया था। फिर कई लोग मेरे जैसे उससे ऐसे एडिक्ट हो गए कि पूरा दिन सिर्फ कार्टून नेटवर्क ही देखते थे, स्कूल जाने से पहले भी और स्कूल जाने के बाद भी। देखो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ एडिक्ट हो जाते थे, इसके पीछे एक रीज़न था। वो टाइम के कार्टून्स ही ऐसे थे कि जितनी तारीफ करे उतनी कम है, जैसे फ्लिंटस्टोन, ये तो 90s का बेस्ट कार्टून था। अगर आपने स्टोनेज के बारे में पढ़े हो या ना पढ़े हो, इसको तो आप कभी नहीं भूल सकते। फिर एक और आता था, हमारा प्यारा स्कूबी डूबी डू, इसके जैसा डिटेक्टिव डॉग तो यार सबको चाहिए था। उस टाइम पे क्या था यार ये शो भी, बस मुंडी हिला के किसी को भी पकड़ लेता था। फिर उसके बाद आता था टॉम एंड जेरी, ये तो अभी भी आता है और इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी मेरा बचपन का फेवरेट कार्टून था। लेकिन टॉम एंड जेरी शो का एंड कैसे हुआ वो तो मुझे अभी भी नहीं पता। फिर दोस्तों याद करो, ये भी तो आता था, बेबी लूनी टून्स, इसमें सब एनिमल्स जैसे बग्स बनी, ट्विटी, डोनाल्ड डक, ये सभी ग्रैंडमा के पास रहते थे और रोज़ लाइफ के अच्छे अच्छे लेसन सीखते थे यार, ये भी मेरा उस वक्त का फेवरेट कार्टून था। फिर एक और आता था, वो रात में आता था कि दिन में आता था ये तो याद नहीं है, लेकिन इसका नाम है डेक्स्टर्स लेबोरेटरी। इसके जैसी लेबोरेटरी तो हम सबको चाहिए थी, लेकिन ये भी हमारा इमेजिनेशन था, हम सब सोचते थे यार इसके जैसी लेबोरेटरी हमारे पास भी होनी चाहिए थी यार। फिर उसके बाद आता है मेरा ऑल टाइम फेवरेट एड एड एंड एडी, सच में यार ये तीनों की जोड़ी थ्री इडियट से भी अच्छी थी। ये तीनों पूरा टाइम मुंह में लड्डू लेके घूमते थे, ये शायद बंद हो चुका है लेकिन ये मेरा अभी भी फेवरेट 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 ही रहेगा, क्या मस्त कार्टून था ये। फिर आता है जॉनी ब्रावो, इसके जैसी बॉडी हम सबको चाहिए थी, बस ऊपर की बॉडी एकदम कड़क और पैर एकदम पतले, ये जो भी लड़की को प्रपोज मारता था सब इसे डम कर देती थी, ये शो देखने का मजा ही कुछ और था। फिर आता था पावरपफ गर्ल्स, भले ये गर्ल सुपर हीरोज पे था फिर भी हम जैसे लड़के भी इसको सीक्रेटली सपोर्ट करते ही थे, भले ये लड़कियां बिना उंगलियां की थी लेकिन फिर भी क्या मजा आती थी ये देखने में। फिर एक आता था कॉमेडी हॉरर कार्टून,
इसका नाम था करेज द कावर्डली डॉग शो। अगर आप 90s के हो तो आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। जब इस कार्टून को देखते थे हम तो हमें यार कॉन्ज्यूरिंग मूवी से भी ज्यादा डर लगता था। अपनी बातें कंप्यूटर से शेयर करता था। सबसे मस्त कार्टून था ये भी। फिर आखिर में आता है बेन 10। इसके 10 के 10 फॉर्म्स मुझे अभी भी याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता, और ये मेरा फेवरेट कार्टून था। लेकिन सच में यार अभी भी मैं हर बार मन में यही सोचता हूँ कि काश ये सब दिन वापस आ जावे। ऐसा हो तो नहीं सकता, फिर भी सोच कर देखो कितना मजा आता है। तो अब दोस्तों मुझे जितना पता है इसमें से थोड़े शोज आते हैं बट बहुत लेट, और वो भी आधी रात के टाइम पर, और वो भी 2 या 3 बजे आते हैं। जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अब ये सब तो हुई कार्टून्स की बात, अब हम बात करते हैं एनिमेस की। देखो यार कार्टून नेटवर्क वालों ने अपना फैन बेस इतना बढ़ता देखकर वो लोगों ने अपने चैनल पर एनिमे टेलीकास्ट करने की सोचा, और फिर उन लोगों ने टेलीकास्ट भी किया, जैसे ड्रैगन बॉल जी। देखो दोस्तों कार्टून नेटवर्क वालों ने ड्रैगन बॉल को स्किप करते हुए डायरेक्टली ड्रैगन बॉल जी स्टार्ट किया। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ 60% लोगों ने ड्रैगन बॉल देखा ही नहीं होगा, सीधा ड्रैगन बॉल जी के बाद डायरेक्टली ड्रैगन बॉल सुपर ही देखा होगा। फिर भी हमें सब कुछ सही लगता था क्योंकि हमें उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं था कि ये लोग कौन है, बस हम देखते थे क्योंकि हमें बहुत मजा आती थी। वो टाइम हमें गोकू और गोहान जैसे कैरेक्टर देखने मिले, और साथ ही साथ हमें एनीमे जैसी अच्छी चीज के बारे में पता भी चला। फिर बाद में हमने पोकेमोन देखा, उसमें एश कैचम के साथ जर्नी पर हम लोग भी निकलते थे अपने घर से, हमें भी पोकेमोन ट्रेनर बनना था, और यही रीजन है कि हम चीटोस के पैकेट से पोकेमोन डिस्क कलेक्ट करते थे। अगर ये किसी को याद होगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। फिर एक और आता था डिजीमोन। मैं ये शो पूरी तरह से भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये मेरा फेवरेट शो था उस वक्त का। फिर आखिर में आता था बेब्लेड। इसको देखकर तो यार पूरा दिन अच्छा ही जाता था। देखो दोस्तों बेब्लेड तो हम सबके पास था, सिर्फ ड्रैगन के आने की कमी थी। अभी दोस्तों तुम लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ, आजकल के बच्चे को क्या पता, फिजेट स्पिनर से ज्यादा मजा हम लोगों को प्लेट या तपीले में बेब्लेड घुमाने में आता था, मानते हो कि नहीं। ये सब 90s और मिडल 20s के बच्चों को याद होगा, ये कार्टून नेटवर्क का गोल्डन एज था। फिर अब तो यार कार्टून नेटवर्क इतना बिगड़ गया, इतना सड़ू हो गया कि देखने के लायक भी नहीं रहा। ये बात पे इतना अफसोस नहीं है कि कार्टून नेटवर्क ने अपने पुराने शोज दिखाना बंद कर दिया, ये बात पे ज्यादा अफसोस है कि वो नए जनरेशन को भी अपने बेकार शोज दिखाकर बिगाड़ रहा है। अगर दोस्तों आज के बच्चे हमारे टाइम पे होते तो उन लोगों के लिए वो जन्नत होती। ये तो आप सबने एंजॉय किया होगा, मैंने हम सबकी पुरानी यादें ताजा करने के लिए ये वीडियो बनाया। तो अब हम बात करते हैं एक कड़वे सच की, नए कार्टून नेटवर्क की। इसकी हालत के बारे में क्या बताओ, बहुत ही बेकार है, कोई भी ढंग के शोज नहीं आ रहे हैं। इस नए कार्टून नेटवर्क पर क्या आता है मैं बताता हूँ, जॉनी टेस्ट, क्या बेकार स्टोरी है, एकदम सड़ू। फिर आता है रोल नंबर 21। इसकी स्टोरी देखकर तो खुद स्वयं कृष्ण भगवान भी रोने लगे। एब्सेंट और प्रेजेंट के अलावा कुछ होता ही नहीं है इसमें, क्या फालतूगिरी है यार। छोड़ो यार ये सब कार्टून का नाम ले रहा हूँ, मेरा सर दुख रहा है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं एनिमेस की। देखो यार कार्टून नेटवर्क वालों को ड्रैगन बॉल सुपर के राइट्स कब से मिल चुके हैं, लेकिन सालों के पास इतना टाइम नहीं है कि उन्हें हिंदी में डब कर सके। वो लोग इसको कार्टून नेटवर्क पे रात को 11 बजे डालते हैं, और वो भी इंग्लिश में, वो भी किसी भी ऑर्डर में। पहले 5th एपिसोड आता है, फिर 2nd एपिसोड आता है। इन लोगों को कुछ भी पड़ी ही नहीं है आज के बच्चों की, सस्ते कार्टून दिखाकर अपनी जेबें भर रहे हैं बस। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये भैनचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चोत के बच्चे। तो अब दोस्तों ये तो हुआ कंपैरिजन नए और पुराने कार्टून नेटवर्क के बीच में। मुझे पता है मैंने नए कार्टून नेटवर्क के बारे में ज्यादा कुछ बोला ही नहीं हूँ, इसका रीजन ये है नए कार्टून नेटवर्क के बारे में कुछ बोलने जैसा बचा है तुम लोग मुझे खुद ही बताओ, सिर्फ बेकार शोज आते हैं। नए कार्टून नेटवर्क की जितनी बुराई करूँ उतनी ही कम है। अब हम बात करते हैं कि इस नए कार्टून नेटवर्क को पहले जैसा कैसा बनाए। देखो यार कार्टून नेटवर्क वालों को बोलो कि ये सब फालतू कार्टून हटाओ और नए नए एनिमे डालना स्टार्ट करो यार, या फिर अच्छे कार्टून ही दिखाओ जिससे हम कुछ सीख तो सके। नाम कार्टून नेटवर्क है और ऐसे फालतू के शोज दिखाते हैं यार। और साथ ही साथ ये भी बोलना ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी में डब करो और कार्टून नेटवर्क पे स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक ऑर्डर में दिखाओ। अब देखो यार मैंने सोचा कि सब यूट्यूबर्स इस पे बना रहे, तो मैंने भी सोचा मैं भी इस पे बना देता हूँ सबको सपोर्ट करने के लिए। तो अब देखो दोस्तों मैंने कार्टून नेटवर्क इंडिया का FB पेज, यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ वेबसाइट की लिंक डाल दिया हो। आप जाकर उन लोगों की साइट पर भर भर के मैसेज करो कि हमें कुछ दिखाओ, हमें ये सब फालतू चीजें नहीं देखना है। और ये भी बोलना हमारी डिमांड पूरी करो, हम ही आपके यूजर है और हमारे बिना आप लोग कुछ भी नहीं हो।
तो अब दोस्तों बस आज के लिए इतनी भड़ास काफी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो तो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, 110% बनता ही है, और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब करो भाई। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गोजाइमास।